नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरे एक व्यूअर ने अपने प्लाट का प्लान भेजा। बोले सर ये मेरा प्लाट है, मैं इस पर घर बनाना चाहता हूँ। तो जो प्लाट था वो इररेगुलर साइज का था। यह देख रहे हैं इसकी दीवार इस तरीके से तिरछी थी। यह 37 फीट 9 इंच या 38 फीट आ रहा था, 38 फीट 5। ये यहाँ पर जो है ये तिरछापन था। तो हमने उनको फिर सलाह दी थी कि ये आप इस तरीके से करके इसको सीधा करिए, ऐसा कट लगा के इसको 90 डिग्री करिए, इसको सीधा करिए, इस तरीके से उनको सलाह दी, जगह छोड़ दीजिएगा। तो ये 32 फीट 10 था तो ये 27 रह गई जगह, 27 फीट सीधा करने में। और इधर जो 37 था उसको 37 रहा, तो ये एक्स्ट्रा हिस्सा अलग कर दिया। अब उसके ऊपर जो प्लान बनाया उन्होंने, अब वो मकान बनाने जा रहे हैं, ये प्लान लगभग फाइनल हो गया है। ये उनका प्लान है, ये 27 बाय 36 समथिंग ऐसा कुछ आ रहा है। पश्चिम मुखी है, यहाँ से घर के अंदर जाएंगे और ऊपर जाने के लिए ऐसा ऊपर यहाँ से यूँ आएंगे। एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी पर कोई दिक्कत नहीं आती है एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ी से, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल प्रॉपर है, सीधा यहाँ से अंदर घर में जाएंगे। क्योंकि हम यदि क्लॉकवाइज सीढ़ी रखते, यहाँ से यूँ करने की कोशिश करते, तो ये यहाँ दरवाज़ा खुलता, ये वाला दरवाज़ा यहाँ खुलता और एकदम सामने दीवार आती, ये अच्छी स्थिति नहीं होती है। आगे इनको खुली जगह मिलनी चाहिए, जब आदमी घर में घुसता आगे खुली जगह मिलना चाहिए। इस तरीके से जो स्थिति बनती है वो अच्छी नहीं होती है। तो ये सीधे आ गए, यहाँ से ऊपर जिसको जाना ऊपर चला जाए, यहाँ गेट है। और यहाँ आने के बाद ये किचन है, मध्य उत्तर का किचन, बहुत अच्छी स्थिति में किचन है। अच्छा, यहाँ चाहे तो खिड़की लगा देंगे ताकि देख सके कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मध्य उत्तर किचन रहेगा तो घर के लोगों को कमाने के लिए कम मेहनत करना पड़ती है और घर की महिलाएं समझदार होती हैं, वो अच्छी स्थिति होती है किचन की। है पूजा, इसके बाद बाहर आ गई पूजा, यहाँ ईशान कोण में। हमने इनको 6 फिट सलाह दी, 6 फिट जो है हमने इसको जगह छोड़ी पीछे, 6 फिट जगह छोड़ी। यहाँ वाटर टैंक है और यहाँ सेप्टिक टैंक है। इसको हमने बोला कि इस टैंक को यहाँ तक ले आए, यहाँ तक, इधर नहीं चाहिए, थोड़ा अग्नि से किसका ईस्ट की ओर, ताकि इसके 3 हिस्से करें तो एक हिस्सा छोड़ने के बाद सेप्टिक टैंक आना चाहिए, गड्ढा आना चाहिए। गड्ढे के लिए इस वॉल के ईस्ट के 3 हिस्से करिए, एक हिस्सा छोड़ के जो भी गड्ढा बनाना है, वो सेप्टिक टैंक को, अंडरग्राउंड वाटर टैंक को, बोरिंग हो, तो इधर होना चाहिए। तो इनको सलाह दी तो कर रहे हैं, वो यहाँ से करेंगे, यहाँ से सेप्टिक टैंक बन जाएगा या आगे हो जाएगा। ये एक बेडरूम है, अटैच लेट बाथ है, ये OTS ताकि रोशनी आती रहे। ये ईशान कोण का द्वार हो गया, ये इनका पलंग हो गया, ये टॉयलेट हो गया, ये वास्तु अनुकूल है, ये स्टडी हो गई बच्चों की, ठीक है ना। तो यहाँ से दरवाज़ा हो गया, आदमी पूर्व मुखी उत्तर मुखी बैठना चाहिए, उत्तर मुखी बैठ रहा है, ठीक है, अच्छा है। ये इसका पलंग हो गया बच्चे का, ये इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम का रास्ता इन्होंने यहाँ से दिया है, ठीक है ना। यहाँ से मास्टर बेडरूम में आ गए, इसका टॉयलेट, इसका OTS, ये हो गया। ये लॉबी और लिविंग इस तरीके से कर लिया इन्होंने, प्लाट छोटा है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है। यानी कि हर आदमी की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, उसको वास्तु हिसाब से सेट करना होता हमें। ये वास्तु की दृष्टि से बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये जब यहाँ का हिस्सा ईस्ट जो है इससे 6 इंच नीचा रहेगा पूरे घर से, यहाँ का फ्लोर लेवल भी घर के फ्लोर लेवल के बराबर रहेगा। जो स्टेप बनेगी यहाँ बनेगी, यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक एक लेवल है, इसका 6 इंच नीचा है। और फिर यहाँ पर और अंडरग्राउंड टैंक हो गए, तो इनको आर्थिक स्थिति इनकी कभी ख़राब नहीं, कहीं ना कहीं से इनका इनकम सोर्स आता रहेगा, पैसा आता रहेगा, इतना ही बात है। बच्चे तरक्की करेंगे और मान सम्मान रहेगा और धार्मिक प्रवृत्ति भी थोड़ी रहेगी, मतलब नैतिकता वाली ज़िंदगी जियेंगे, धार्मिक प्रवृत्ति ना, पर सोच अच्छी रहेगी इनकी, तय बात है ये। तो इस तरीके से देखिए, 2 बेडरूम बन गए, 1 स्टडी बन गया, इनको ड्राइंग रूम, ये लॉबी छोटी चाहिए होगी जैसा भी उनकी रिक्वायरमेंट थी। विशेष प्लान बनवा के हमने इसको फाइनल करवाया है, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से 27 बाय 36 है अंदाजन, ये दीवार छोटी छोटी होने के बाद ये घर बना है, वास्तु अनुकूल घर है। और फिर ऊपर जाके वापस पूरा पूरा घर से बन जाएगा, आप नहीं यूँ चढ़ेगा, यहाँ आएगा वापस अंदर चला गया और पूरा पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ऊपर जाके फिर 3 फिट की बालकनी मिलेगी इनको, ये 6 फिट जगह 3 फिट बालकनी मिलेगी। उस बालकनी को चाहेंगे ये तो इस रूम को बड़ा कर लेंगे, इसको पूजा को बड़ा कर लें, या इस जगह को और उपयोग कर लें, पूजा एक आगे नीचे, ठीक है ना। तो इसको कवर भी किया जा सकता है,
फर्स्ट फ्लोर पे जाके, और बाकी सेम बना लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा घर ऐसे ऐसे ही बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से वो यहाँ सुखी रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार।